दोस्तों अब से बस कुछ देर बाद भारतीय टीम और न्यूजीलैंड की टीम के बीच खेला जाएगा पहला T20 मैच। यहाँ दोस्तों भारतीय टीम और न्यूजीलैंड की टीम के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 मैच 17 तारीख को खेला जाएगा। और दोस्तों ये मैच सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और दोस्तों ये मैच शाम को 7 बजे शुरू होगा। तो ऐसे में आइए दोस्तों जानते हैं कि इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने कौन सी प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जहां दोस्तों पहले बात करें, अब T20 वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और दोस्तों उसके खत्म होने के जस्ट बाद ही भारतीय टीम और न्यूजीलैंड के बीच अब 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी और इसके बाद 2 मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेली जाएगी। तो ऐसे में ये दोस्तों जानते हैं न्यूजीलैंड और भारतीय टीम के बीच T20 मैचों की हेड टू हेड रिकॉर्ड। जहां दोस्तों पहले बात करें, इन दोनों ही टीमों के बीच अभी तक T20 इतिहास में टोटल 17 मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारतीय टीम ने केवल 8 मैचों में जीत हासिल करी है, तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने 9 मैचों में जीत हासिल करी है। वहीं दोस्तों जब इन दोनों टीमों के बीच इस T20 वर्ल्ड कप में मुकाबला खेला गया था, तो उस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने 8 विकेट के बड़े अंतर से भारतीय टीम को बुरी तरह हराया था। ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम अब से बस कुछ देर बाद शुरू होने वाले मैच में न्यूजीलैंड से बदला लेना चाहेगी। ऐसे में दोस्तों रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 घोषित कर दी है, जिसमें दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल नजर आने वाले हैं। वहीं दोस्तों मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर खेलते हुए दिखाई देंगे। वहीं दोस्तों चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव नजर आएंगे। वहीं दोस्तों पांचवें नंबर पर ऋषभ पंत नजर आएंगे, तो छठे नंबर पर ईशान किशन खेलते हुए दिखाई देंगे। वहीं दोस्तों इसके बाद गेंदबाजी में रविचंद्रन अश्विन को मौका दिया जाएगा। वहीं आठवें नंबर पर हर्षल पटेल को मौका दिया जाएगा और उसके बाद नौवें नंबर पर एक बार फिर से एक्सपीरियंस गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को आजमाया जाएगा। वहीं दोस्तों दसवें नंबर पर दीपक चहर नजर आएंगे, तो 11वें नंबर पर युजवेंद्र चहल। और दोस्तों इस तरह भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने उतरेगी। यहां दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम तो T20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद सीधे भारत आ रही है और इस वजह से उनकी प्लेइंग 11 में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम में कई बड़ी खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, जैसे दोस्तों विराट कोहली। और दोस्तों विराट कोहली तो T20 की कप्तानी से भी हट चुके हैं। ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम का परमानेंट कप्तान रोहित शर्मा को बना दिया गया है। ऐसे में दोस्तों रोहित शर्मा बतौर कप्तान इस मैच में खेलने उतरेंगे और दोस्तों रोहित शर्मा के लिए ये काफी बड़ा मौका होगा, क्योंकि दोस्तों अब से बस 11 महीने बाद ही T20 वर्ल्ड कप एक बार फिर से खेला जाना है और दोस्तों वो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम चाहेगी कि उनकी कप्तानी में भारतीय टीम अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप अपना नाम करे, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप में कुछ ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं दिखाया था। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, पहले T20 मैच में भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हरा पाएगी कि नहीं? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसे में अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।